हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कई दिन के बाद हमारा व्लॉग जो है शूट हो रहा है और मैंने बनाया नहीं था। तो गाइस, हम जा रहे हैं बाज़ार क्योंकि मुझे जाना है शादी में और काफ़ी दूर है शादी, तो मुझे वहाँ पर जाना है। बारात में तो मैं नहीं पहुँच पाई, तो मैं वली में मैं जाऊँगी ज़रूर, और ख़ास की ही शादी है तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं मुझे हमदान के कुछ एक दो जो हल्के से कपड़े लेने हैं, वो मैं नहा धो के बाज़ार के लिए हुई थी यार। और मुझे अपनी जो है थ्रेडिंग बनवानी है और फेशियल का देखूंगी, अगर टाइम होगा तो करवाऊंगी, वरना तो नहीं, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी है और बहुत सारा काम है आज। तो देखते हैं क्या क्या काम हमारा निपटता है, और शादी मतलब वलीमे का भी मैं दिखाऊंगी, जो जो थोड़ा थोड़ा शूट कर पाऊंगी वो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस जो है देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं और क्या क्या करते हैं। बज रहे हैं शाम के 5:15, तो बस हमदान नहा ले और कट्टो तैयार हो जाए, फिर हम लोग निकलेंगे। तो अभी 2-3 दिन की मेरी जिम की छुट्टियां भी हो गई हैं, मैं जा नहीं पाई क्योंकि इधर हमदान की हो गई थी तबीयत ख़राब, उसको लूज़ मोशन हो गए थे, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। तो मैंने कहा उसकी तो पहले तबीयत ठीक हो जाए तब मैं जाऊँगी, क्योंकि फिर वो रोता है तो फिर चुपता नहीं है किसी से भी, तो इस वजह से मेरी जिम की भी छुट्टी हो गई। अब मैं शादी वली में मैं से आ जाऊँगी जब जाऊँगी जिम भी, क्योंकि फिर जाऊँगी, फिर छुट्टी हो जाएगी, और आज मुझे काम भी है, तो इस वजह से और नहीं जाऊँगी। तो ये हमदान भी नहा के आ गया, ये मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ये नंगा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बाज़ार में। और ये देखो मैंने नोज रिंग पहन मतलब लॉन्ग पहन रखी है, ये मुझे इन्होंने एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया था। तो ये कैसी लग रही है, अभी गिर जाता तो ये कैसी लग रही है बताना आप लोग कमेंट करके। ये देखो कितनी अच्छी है, तो ये मुझे उन्होंने गिफ्ट करी, तो मैंने जब से अब पहनी है। तो चलिए मिलते हैं, तैयार हो जाती हूँ थोड़ी देर में। ये पीछे से नंगा है, अद्दू आए, कहाँ जा रहे हो? बाजार। हाँ कहाँ जा रहे हो? पहले उतर गया ही तो चला गई, पहले उतर जाता। वो दोनों भी आ रही हैं, उतर रही हैं नीचे, इतने हम लोग नीचे उतर गए। तो मिलते हैं यहाँ तो आने के बाद, या बाजार में एक दो क्लिप बनाएंगे, अभी गिर जाता। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे घर से मार्केट के लिए, और यहाँ पे बकरों की जो है बकरे ही बकरे हो रहे थे पूरे में सिलमपुर में रास्ते में। तो फिर उसके बाद हम पहुँच गए सिलमपुर, हमने ली लैस, अम्मी ने मंगवाई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी की यहाँ पे लैस हैं। उसके बाद यहाँ से निबट के गए हम पार्लर, तो यहाँ पर मैंने करवाया फिर। तो उसके बाद आ गए हम नीचे, और नीचे बैठ गई मैं फिर बाल कटवाने के लिए, फेशियल वगैरह मेरा सारा निकल चुका था। यहाँ पे मेरे बाल कटिंग कर रही थी जितना ये बाल रहे, तो इनकी काफ़ी अच्छी आदत है। और यहाँ से मैं फिर पहुँची कटहल की सब्जी, तो उनके लिए अंडे बनाऊंगी मैं, जल्दी जल्दी जो है अपना ये काम निपटा देती हूँ। फिर जो है हमारा सारा खाना पीना हो चुका है, ये मेरी बहन लगाएगी मेरी मेहंदी, मेरा रमदान, और ये हो रही है हमारी पैकिंग। ये देखो ये हो रही है हमारी पैकिंग, और मैं लगवाऊंगी मेहंदी। अभी बता रही हूँ कौन कौन से लगवा, तो मैं पहले कपड़े लगवा दूँ जब दिखाऊंगी। ये देखो कैसे पैकिंग की जोर शोर से पैकिंग हो रही है, ये हमारी तो लग रही है हमारी मेहंदी, मेरी पैकिंग हो चुकी है, तो मेरी बहन लगा रही है मेरी मेहंदी। देखो ये तो अभी शुरू है स्टार्टिंग, पर टाइम कितना हो रहा है? 2:45। हाय कर दो हाय। ये देखो ये भी जग रहा है, 2:45 लग रहा है। बस बस पीछे हो जाओ। आ तो मेहंदी लग जाएगी जब तक। मम्मी पे कितना प्यार आ रहा है। अरे मम्मी ये सब हो क्यों रहा है? मेहंदी भी काट दी। ये बिल्कुल नहीं पकड़ रही है, चलो रहा है जाने के लिए तैयार।
सब लोग, मैं भी सुख उठ चुकी हूँ, मेरा और भी क्लीन हो, हमदान नहीं तो चेहरा मेरा और भी साफ हो गया। मैं पीने जा रही चाय, प्याले में नहीं ली, ग्लास में नहीं ली चाय, तो कहना मैं अगर बच्चे भी नहा धो कर तैयार हो रहे, जब हम निकलेंगे जब दिखाएंगे। और मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, मेहंदी दिखाती हूँ, अभी कलर नहीं आया है, आ जाएगा मेरा कलर। तो मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, सुबह दिन निकल गया था मेरी मेहंदी लगाते लगाते। तो गाइस मैं, हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, उसके बाद देख रहे हैं, नीचे आ चुके हैं ये सब लोग, खड़े हैं बच्चे भी, मैदान आगे, गाड़ी बहुत तेज़ की धूप हो रही है, गाड़ी में बैठ जाए जब, बहुत तेज की धूप हो रही है। हमदान हाय कर दो, हाय बाय। तेज की हो रही है, बहुत तेज की हो रही है।